भाई जैसे कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के एरिया के अंदर हमें अभी फिलहाल मौजूद है और पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा व्यवस्था में कांवड़ियों की जो सेवा पानी के लिए यहां पर हाजिर है। तो यहां पर पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा जो सुविधा मुहैया करवाई गई। नमस्कार जी। नमस्कार। जो योगी सरकार चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कांवड़ियों की विशेष सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? देखो योगी सरकार जी, योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तो वहाँ पर यूपी में जो भी क्या होगा अच्छा कर रखा है। और हम तो अभी उत्तराखंड में, हमारी सरकार ने भी काफ़ी अच्छे प्रबंध किए हैं, जगह जगह पे पुलिस प्रबंध पूरा किया है कांवड़ियों की सुविधा के लिए। जहाँ से हर जगह का डाइवर्जन पॉइंट है तो वहाँ पर उनको अच्छी वो दिया जा रहा है, मार्गदर्शन किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। वहाँ की सभी सुरक्षा के इंतजाम है और कोई उनको कांवड़ियों के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसके सारे अच्छे सुविधा। लेकिन इस बार थोड़ा मौसम मेहरबान नहीं है। अब मौसम तो आप, ये तो सब ऊपर वाले की हुआ है, मौसम ठीक ही है, फिर भी ऐसा नहीं है, बादल है थोड़ा बहुत। देखिए पुलिस को तो हर उसमें नौकरी करनी पड़ती है, हम लोग सब मौसम में ढल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेवा भाव से भी है और हमारा कर्म भी है, इस चीज़ कोई हमें ऐसा दिक्कत नहीं है फिलहाल, ठीक हम अपने कर्म। अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने कांवड़ियों से विशेष शांति बनाने की अपील की है, कुछ घटनाएं आपके एरिया में ऐसी वैसी घटना तो नहीं हुई कोई? नहीं, अब ये है छुटपुट, ऐसा है ना छुटपुट थोड़ा बहुत है, यहाँ पर ऐसी कोई अच्छी घटना तो अभी हुई नहीं है, हमारे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि हमारा ये एक पॉइंट है और फिलहाल इस क्षेत्र में भी नहीं हुई है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं भाई, योगी सरकार के द्वारा पूरे प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा नियमों के और पूरे कंट्रोल यहाँ पर किया गया है और पुलिस अधिकारी हर आपको 4 से 5 किलोमीटर मिल जाएंगे, ताकि किसी प्रकार के शरारती तत्व अगर कोई अप्रिय घटना कोशिश करने की कोशिश करते हैं तो उसे कंट्रोल कर सके प्रशासन। इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बने रहिएगा एचपीएन 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।